खाने में जो था सो आपको दे दिया है। आपका पूरा परिवार इतने चावल पर कैसे निर्वाह कर लेता है? गुरुदेव, तुम्हारी अशांति का कारण? गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मन व्याकुल है, मैं गहरी पीड़ा अनुभव कर रहा हूं। क्या मुझे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होगी? देखा वो पत्थर कैसे पानी से उछलता हुआ चला गया? देखो वत्स, पहले पहल जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो भूत, भविष्य, वर्तमान के विचार चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बादल देख रहे हो? वो भी इन विचारों की तरह नए नए रूप लेके विचरते हैं, फिर भी आकाश अनछुआ रहता है। जब पूर्ण ध्यान लगाना हो तो तुम्हें आकाश की तरह होना चाहिए। विचार आएंगे, काल की तरह तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे, पर तुम्हारा मन सांसों के आवागमन पर केंद्रित रहना चाहिए। फिर एक समय आएगा जब तुम्हें शून्य का अनुभव होगा, तब तुम्हारी सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारे संताप ऐसे उड़ जाएंगे जैसे वो बादल। फिर केवल एक गहरी शांति का अनुभव होगा जैसे वो नीला आकाश। संकोच न करो और बताओ कि तुम ध्यान की अनुभूति में कहां तक पहुंचे। गुरुवर, पहले पहले तो ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, और फिर समय का ज्ञान धीरे धीरे जाता रहा। अति शुभ लक्षण। और फिर शून्य अवकाश की अनुभूति हुई, और जैसे ही मेरा ध्यान टूटा मुझे पीड़ा ने आ घेर लिया, और फिर मेरा मन व्याकुल होने लगा। मन के विचलित होने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इसके आगे अनंत के शून्य आकाश की अनुभूति करनी है। जो भौतिक है वो मन का बुना जाल है, जैसे उस दिन पात्र के पानी में धूल के कण। तुम्हारा स्थिर नहीं होना, मन के और भीतर जाओगे तो पाओगे वहां कुछ भी नहीं है, पूर्ण शून्य, पूर्ण शून्य। अपना दीप जलाओ, अडिग रहो, मन डोले तो तुम नहीं डोलो। यशस्वी भवा।